हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 8.1 कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स दिस। सो आपके पास क्या है, एक इलिप्स गिवन है। अब यहाँ पे इतना फोकस कर लो कि आपको ऐसा रीजन का एरिया निकालना है जो कि कम्प्लीटली इस इलिप्स के साथ बाउंड हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं है कि आपको स्पेसिफिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही निकालना है या कितने से ही पोर्शन का निकालना है। सो इट्स क्लियरली मेंशन कि आपको इलिप्स ये वाले का आपको रीजन निकालना है, एरिया निकालना है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं एंड देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जैसे आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि अगर x के नीचे बड़ी वैल्यू है एज कम्पेयर टू y के नीचे है, जैसे 9, तो 16 बड़ा है 9 से, दैट मीन्स x एक्सिस जो है हमारी वो वाइडर होगी एंड y एक्सिस थोड़ी सी स्मॉलर होगी। लेट्स मेक द डायग्राम ऑफ दिस। सो यहाँ पर सपोज करो कि मेरे पास वैल्यू क्या है, यहाँ पे x स्क्वायर है, ठीक है। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इलिप्स की इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के नीचे 3 का स्क्वायर, ठीक है। सो दैट मीन्स x अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस y अपॉन 3 का होल स्क्वायर। सो एग्जैक्टली x का जो पॉइंट है वो क्या है, 4, एंड y का जो एग्जैक्ट पॉइंट है वो आपको मार्क करना है अपने फिगर में 3। तो यहाँ से इस तरह से आप अपनी वैल्यूज को स्क्वायर में लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट मीन्स 16 को कन्वर्ट करना है स्क्वायर में, दैट मीन्स 4 4 16, राइट। सो आपको इस फॉर्म में देखना है, तभी आप क्या कर पाएंगे अपनी फिगर में उस पॉइंट को मेंशन कर पाएंगे कि एक्सिस में आपका एक्स के नीचे जो 4 वैल्यू है वो एग्जैक्टली सपोज करो यहाँ पर है, ठीक है। और इतना ही मैं 4 यहाँ पे मार्क कर रही हूँ एंड 3 वैल्यू मान लो ये है मेरा ऑन दिस, ठीक है। सो आपके पास जो अब फिगर बनेगी, सो ये आपका बना है एलिप्स, ठीक है। आप इस एक्सिस को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, राइट। सो आपका जो है डायग्राम मैंने बना दिया है, ये है आपका सेंटर 0। सो आपकी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है कम्प्लीटली। सो अगर आपको स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में पहले कि आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एरिया निकालना है जो कि इस एलिप्स के साथ बाउंड होगा, तो आप सिर्फ इतना सा पोर्शन का एरिया निकालते, राइट। लेकिन वहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है ऐसा कुछ, तब आप क्या करते हो कि पूरे एलिप्स की बात की है उसने और ये कंप्लीट एलिप्स पूरी जो फिगर है वो मैंने आपको ड्रॉ कर दिया है। सो कंप्लीट आपके पास इस रीजन का आपने एरिया निकालना है जो कि मैंने शेड किया है। तो हम इस पूरे शेडेड रीजन का एरिया बहुत इजी वे से कैसे निकालेंगे, हमें वो सीखना है, राइट। तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे सीखना। यहाँ पे देखो, अगर आपको इतना सा पोर्शन का एरिया निकालना होता तब आप क्या करते, दैट मीन्स सिर्फ अगर आपसे कहते कि सिर्फ आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही निकालना है जो कि इस एलिप्स के साथ बाउंड हो रहा है, तो आपका सिर्फ ये वाला पोर्शन होता, राइट। तो हम अभी भी इसी पे फोकस करेंगे क्योंकि द फर्स्ट क्वाड्रेंट वो क्या है, हमेशा पॉजिटिव होता है फॉर एवरी वैल्यू, राइट। सो यहाँ पर अगर मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से एरिया निकालना है, तब आपके पास इसको देखो, मैंने ये थिक बार यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। तो दैट मीन्स ये जो लेंथ है, हाइट है, जो क्या है वो y जितनी है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो चेंज है वो dx हम उसको लिखते हैं, yes, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। और अगर मुझे ये पूरा एरिया निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये पूरी अगर मुझे लाइंस चाहिए, जैसे कि मैंने बताया था कि आपका जो रीजन होता है वो स्मॉल लाइंस के साथ जो होता है वो बना होता है। अगर आपको सिर्फ एक लाइन को जूम करके दिखाते हैं तो वो थिक लाइन इस तरह से दिखती है, जिसका हाइट है वाई जितना एंड चेंज है डीएक्स जितना। लेकिन अगर मुझे इन सभी लाइंस का एरिया चाहिए, मतलब ये वाला पोर्शन चाहिए, तो मुझे लिमिट लगानी होगी 0 से लेके 4। सो एरिया ऑफ हम इस कंप्लीट शेडेड रीजन का निकालने जा रहे हैं, और वो कैसे, विद द हेल्प ऑफ ओनली दिस पोर्शन, कैसे, लेट्स सी। यहाँ पे आपने अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एरिया निकालना होता तब आप क्या करते, लिमिट लगा देते 0 से लेके 4 y dx,
ठीक है, अब ये y जो है वो किसको टच कर रहा है, इस इलिप्स को, तो इस इलिप्स की इक्वेशन की हेल्प के साथ आप ये y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है, इसकी हेल्प से आप क्या निकालेंगे, y की वैल्यू, जो कि आप बाद में पुट कर सकते हैं, लेकिन आपको कंप्लीट वैल्यू चाहिए थी, आपका जो क्वेश्चन है ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए नहीं पूछा गया है, आपको कंप्लीट एलिप्स जो बाउंड हो रहा है, ऐसा रीजन का एरिया निकालना है जो कि बाउंड हो रहा है पूरे इस एलिप्स से, तो वो एरिया वो कंप्लीट हुआ ये वाला, राइट, तो आपको ये और ये सब चाहिए, राइट, तो दैट मींस अगर इतना पोर्शन आपको पता है तो ये इक्वली ये भी इतना ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जितना है, ये वाला एरिया भी फर्स्ट क्वाड्रेंट जितना है अगर इस साइड देखते हो, और ये वाला भी फर्स्ट क्वाड्रेंट जितना है, बस ये है कि आपका ये जो इलिप्स है फोर पीसेस में डिवाइड है, तो अगर मुझे फर्स्ट पीस का अगर मुझे एरिया पता चल गया है तो उसको अगर मैं फोर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो होगा मेरा कंप्लीट एरिया ऑफ शेडेड रीजन, समझे, यहाँ पे आपके पास कंप्लीट वैल्यू कैसे आ रही है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू फोर टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है, अब आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना ही मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये एक पॉजिटिव क्वाड्रेंट होता है, और अगर आपके पास सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं आपकी कैलकुलेशंस बहुत ईजी हो जाती है, राइट, तो यहाँ पे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट निकालना बहुत ईजी है, अगर यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे फोर, तो ये पूरा एरिया कवर करेगा यहाँ से यहाँ तक, एंड इसमें y dx है, तो y की वैल्यू अब मैं आपको निकाल के दिखाने वाली हूँ, तो यहाँ पे 4 अगर नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा, दैट मीन्स आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के उसको दिखा रहे हो, जबकि आपको ये भी चाहिए, तो देयर आर फोर पीसेस जिसमें से कि अगर आपको इतना पोर्शन का पता है तो अगर आप वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास ये कंप्लीट एलिप्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इक्वेशन, तो आपके पास यहाँ पे एग्जैक्टली साइड में आप ये वर्क करके दिखा सकते हो अपने टीचर को, ये आपकी इक्वेशन थी स्टार्टिंग में, अब यहाँ पे मैंने क्या, अब आपको y की वैल्यू चाहिए, राइट, तो आप इस वाली x को उधर बे, सो आप ये एक्स स्क्वायर अपॉन 16 को उस साइड शिफ्ट कर सकते हो, सो वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो आप, That means 16 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे बेस में 16, ये 9 की वैल्यू उधर शिफ्ट करो तो आपके पास वाई स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई में 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, अब ये वाई स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाना है, क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ओनली वाई है, तो ये अगर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट होगा, तो वाई की वैल्यू कंप्लीटली रूट में आ जाएगी, ये सब रूट में है प्लस ये भी रूट में है, ठीक है, अब ये सब रूट में है तो रूट को रिमूव करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव में आपके पास वैल्यू आएगी, कैसे, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 9 इज 3, रूट 16 इज 4, और ये रूट में ही रह जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखो मैंने प्लस माइनस का साइन लगाया है, नाउ एज यू हैव टेकन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आपकी वैल्यू सभी पॉजिटिव्स होंगी, तो हम यहाँ पे नेगेटिव वाली वैल्यू को नहीं उठाएंगे, सो अवर वाई वैल्यू इज 3/4, दैट मीन्स पॉजिटिव 3/4 प्रोडक्ट विद रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू आपकी कंप्लीटली आ चुकी है, जो कि अब मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ, दैट मीन्स 3/4 रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर लिख दो, जो कि इसके साथ कैंसिल भी हो रही है, राइट, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है जो कि बहुत ही आसान है, एक्सरसाइज 7.8 आपको अगर ध्यान में हो तो उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सो डायरेक्ट फॉर्मूला है कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर रूट में, तो अगर यहाँ पे न्यूमिरेटर में रूट की वैल्यू है और उसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पे साइड में लिख भी देती हूँ, सो एग्जैक्टली यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 4, ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, ये जो 3 है वो ऑलरेडी चल रहा है बाहर, आपके पास वैल्यू आएगी एक्स अपॉन 2 रूट के अंदर दैट सेम वैल्यू कांस्टेंट का स्क्वायर 16 ही आएगा दोबारा से 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर अगेन, मतलब आप यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स अपॉन 4, और इस पे लगा देंगे आप लिमिट 4
0, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में हम इसको कैलकुलेट करते हैं लिमिट्स के साथ, और ये आपके पास वैल्यू आई है आफ्टर इंटीग्रेशन। सो एक बार आपको x में क्या डालना है, 4 माइनस लोअर लिमिट। सो यहाँ पे मैं 4 डाल रही हूँ, यहाँ पे 4 डालोगे तो 4 का स्क्वायर है 16, सो दिस मेक्स 0, सो ये 0 हो गया तो ये भी 0 हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे 16 को इससे कैंसिल करो, 8 आएगा, साइन इनवर्स 4/4, क्योंकि अभी हम पूरी इक्वेशन में हम 4 डाल रहे हैं, दैट मीन्स अपर लिमिट, सो 4/4 इज 1, तो ये वैल्यू आई 4 डालने पे लिमिट। अब लोअर लिमिट डालते हैं, ये 0 हो जाएगा पहले ही, साइन इनवर्स 0 इज अगेन, यहाँ पे वैल्यू क्या है 8, और साइन इनवर्स 0 इज अगेन 0, क्यों, क्योंकि 0 में ऐसी वैल्यू कब आती है साइन इनवर्स पे, एट साइन 0 पर ही, तो यहाँ पे साइन 0 ही लगा दो, ठीक है। सो यहाँ पे ये वैल्यू 0 है, 8, 1 वैल्यू कब आती है साइन पे, दैट मीन्स साइन 90 डिग्री, दैट मीन्स पाई बाय 2, दिस इज 0, दिस इज 0, सो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, पाई बाय 2, 8 यहाँ से ये पाई बाय 2, सो 2 से यहाँ पे कैंसिल हुआ, सो दैट मीन्स 4 3 12 एंड साथ में पाई, सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 4। आई होप मैंने एक एक स्टेप आपको बता दिया है कि कैसे हमने एरिया अपना फाइंड आउट करना है। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।